हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोहर सर्कल को। मोहर सर्कल के मैं दो पार्ट वाइट बोर्ड पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे हमने काफ़ी हद तक मोहर सर्कल को डिस्कस कर लिया था, उसकी सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख ली थी एंड हमने जो इक्वेशंस है हमारे मोहर सर्कल की वो कैसे ड्राइव होती है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स वर्क करते हैं, वो सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। अभी कुछ रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है मोहर सर्कल का, जिसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम लोग थे इफेक्टिव स्ट्रेस पे कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस में आप ये मान के चलो कि जैसे कोई ब्लॉक है, आप ये सोच लो कोई क्ले सेडिमेंट है, ठीक है। क्ले सेडिमेंट के अंदर क्या है कि वाटर अवेलेबल है, और जो ये वाटर है ना, वाटर क्या कर रहा है, फ्लूड प्रेशर लगा रहा है बाहर की तरफ। इसको आप ऐसे समझो, आसान से है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस इसको समझते जाना जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की। जैसे अभी आप ब्लॉक मान लो कोई, ठीक है, इसके अंदर वाटर अवेलेबल है, मानो कि ये वाटर है। अब जो मैंने एरो लगाए है ना, ये एरो क्या है कि इस ब्लॉक पे बाहर की तरफ को प्रेशर लगा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि फ्लूड प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ। लेकिन जैसे मैंने ये H2O बनाया हुआ है कि वाटर है, ये ऐसे बाहर की तरफ क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। लेकिन जो सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री थे वो क्या होते हैं कि वो हमारे अंदर की तरफ लगते हैं ऐसे, ठीक है। इनकी डायरेक्शन वगैरह, इनकी प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की हुई है, उसका अगला पार्ट है ये, ठीक है। तो आप पहले वहाँ से उसको सीक्वेंस में देखते आना, तब अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री ऐसे लग रहा है, और जो फ्लूड प्रेशर है वो बाहर की तरफ लग रहा है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, इफेक्टिव स्ट्रेस जो हमारी निकलेगी वो सिग्मा वन हमारा रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी क्या है, ये सिग्मा पी है जो इफेक्टिव स्ट्रेस, जो मेरी फ्लूड प्रेशर लग रहा है वाटर से, इसको मैं बोल रहा हूँ सिग्मा पी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ पे सिग्मा वन है उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा सिग्मा पी से, एंड जहाँ जहाँ पे सिग्मा थ्री है उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा पी से। अब इफेक्टिव स्ट्रेस को समझो ना, जैसे कि इधर से सिग्मा वन लग रहा है अंदर की तरफ, और जो फ्लूड प्रेशर है वो बाहर की तरफ लग रहा है ऐसे, ठीक है। फ्लूड प्रेशर क्या है, वो लग रहा है बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो उसका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या क्या निकल के आएगा, सिग्मा वन ये है, सिग्मा पी ये है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी, ठीक है। भाई आप ये मान लो ना कि जैसे ये लग रहा है सिग्मा वन, इसको आप मान लो 10, और जो फ्लूड प्रेशर है उसकी वैल्यू मान लो आप, सिग्मा पी की वैल्यू आप मान लो 6, ठीक है। अब कितना निकल गया इफेक्टिव स्ट्रेस, मैं क्या करूँगा 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, इजिकल टू 4। तो ये 4 आया ना, ये निकल गया है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, ऐसे निकालेंगे। और ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हमारी जो सिग्मा वन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी वैल्यू रिप्लेस हुई है, सिग्मा वन की जगह क्या हो गया सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी, एंड सिग्मा थ्री की जगह क्या हो गया सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा पी। अब इन वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की थी मोहर सर्कल की, और वैल्यू को पुट करने के बाद में मैं एनालाइज करूँगा, मैं देखूँगा कि जो ये मेरा मोहर सर्कल है, जो मेरा ये मोहर सर्कल है, इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है या इसकी रेडियस डिक्रीज हो रही है, या ये राइट में शिफ्ट कर रहा है या ये लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है, या ये राइट में शिफ्ट कर रहा है या ये लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है। ये सब चीज़ों में मैं बात करूँगा कि भाई इसकी जो फ्लूड प्रेशर है, इसकी वजह से जो मोहर सर्कल है उसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इसकी मोहर सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है क्या ये राइट में शिफ्ट हो रहा है। तो अब आप ये कंसिडर करो कि जहाँ जहाँ पे सिग्मा वन है वहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी, सॉरी ये सिग्मा वन है, सिग्मा थ्री नहीं है, ये सिग्मा वन है, बाय मिस्टेक मैंने सिग्मा थ्री लिया, सिग्मा वन है, सिग्मा
सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी, ठीक है भाई। और जहाँ पे सिग्मा थ्री है वहाँ पे मैं वैल्यू करूँ रखूँगा सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा पी, ठीक है। अब मैं इन वैल्यू को पुटअप करूँ अपनी इक्वेशंस में, जो मेरी मोहर सर्कल की इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखो यहाँ तक मैंने कुछ आपको ऐसा कुछ बताया नहीं है। देखो बिल्कुल आसान सा भी है कि भाई कोई हमारा फ्लूड है, फ्लूड अवेलेबल है हमारा क्ले सेडिमेंट में, ठीक है, या किसी ब्लॉक में मान लो, जो बाहरी तरफ को प्रेशर लगा रहा है, जो सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री है वो अंदर की तरफ लग रहे हैं, और मैं इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लूँ। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या निकलेगी, जो भाई मेरा सिग्मा वन था उसमें से मैं सिग्मा पी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और जो सिग्मा थ्री है उसमें से सिग्मा पी को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये निकल गया मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस निकल गया। अब मैं इसकी वैल्यू क्या करूँगा, पुटअप करूँ अपनी मोहर सर्कल की इक्वेशंस में, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे सर्कल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, ठीक है। चलो ये मेरी मोर सर्कल की इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन थी सिग्मा एन इजकल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू कोस टू थीटा, एंड सेकेंड इक्वेशन में ड्राइव की थी सिग्मा एस इजकल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू साइन टू थीटा। अब यहाँ पे क्या करो आप, जहाँ जहाँ पे आपको सिग्मा वन दिख रहा है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, कौन सी वाली में, सिग्मा एन इजकल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय सिग्मा थ्री बाई टू इंटू कोस टू थीटा, इसमें जहाँ जहाँ पे आपको सिग्मा वन रखा है ना वहाँ पे वैल्यू रखनी है मुझे सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी। क्यों रखनी है, क्योंकि फ्लूड प्रेशर लग रहा है, इसलिए हमारी सिग्मा वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, किससे हो जाएगी, सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी से, एंड सिग्मा थ्री की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा पी से। ये वैल्यू पुट अप करो फटाफट, ये कर दी वैल्यू पुट हमने इसमें। यहाँ पे आप देख लो सिग्मा वन माइनस, ये यहाँ पे आप देखो सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू था, यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दी चेंजेस की, यहाँ पे वो सिग्मा वन की जगह आ गया सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी, सिग्मा थ्री की जगह आ गया सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा पी बाई टू, यहाँ पे भी सिग्मा वन की जगह आ गया सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी माइनस सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा पी बाई टू इंटू कोस टू थीटा आ गया। यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, जब आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे तो आएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री माइनस टू सिग्मा पी बाई टू, एंड यहाँ पे इसमें सिग्मा पी से सिग्मा पी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड लास्ट में जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू, ये वाली वैल्यू फाइनल निकल के आएगी सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री माइनस टू सिग्मा पी बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू कोस टू थीटा, ये वैल्यू निकल गया जब मैंने इसमें फ्लूड प्रेशर इंक्लूड कर दिया। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को कंपेयर करो, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करो अब फर्स्ट वाली इक्वेशन से, जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी, जहाँ से मैंने सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री को रिप्लेस किया था, क्या चेंजेस इसमें आपको दिख रहा है। इसमें मैं चेंजेस दिख रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है ना सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू कोस टू थीटा, ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पहले भी यही थी, आप देख लो ना पहले भी यही थी, यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है सिग्मा वन माइनस, देखो आप सिग्मा एन वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू कोस टू थीटा, एंड नीचे जब मैंने इसमें फ्लूड प्रेशर को इंक्लूड कर दिया, मीन्स सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री की वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दी, तब भी वैल्यू यही आ रही है सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू कोस टू थीटा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, सिग्मा पी एंड सिग्मा पी तो कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या निकल के आई, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू कोस टू थीटा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब फर्स्ट वाली वैल्यू देखो आप, यहाँ पे जो सिग्मा प्लस सिग्मा टू लिखा हुआ है, मीन्स ये वाला जो ये वाला लिखा हुआ है, इसको देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू, रिप्लेस क्या हो गया, ये रिप्लेस हो गया सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री माइनस टू सिग्मा पी बाई टू, मतलब इसमें से क्या है कि माइनस के टू सिग्मा पी क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, जो हमारी मोहर सर्कल की इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक सर्कल की इक्वेशन को, जैसे एक सर्कल की इक्वेशन होती है इक्वल टू पी प्लस आर कोस थीटा, तो मीन्स मेरी आर की वैल्यू सेम है, देखो आप यहाँ पे जो आर था ना, ये मीन्स ये वाली वैल्यू सेम है, पहले भी ये सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू थी, एंड अभी भी ये सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मोहर सर्कल है उसकी रेडियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स जो हमारा मोहर सर्कल है उसकी रेडियस ना तो घटेगी ना तो इंक्रीज करेगी और ना वो डिक्रीज करेगी, तो ये दो रिजल्ट निकल के आ गए यहाँ से, ठीक है। ये बार कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया, अगर ये मोहर सर्कल है, ठीक है, ये मोहर सर्कल है और इस पर मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी सिग्मा पी, सिग्मा वन को सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी एंड सिग्मा थ्री के सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा पी से, तो इस मोहर सर्कल की रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी रेडियस इतनी कितनी रहेगी, ना तो ये इंक्रीज करेगी ना ये डिक्रीज करेगी, ये बात ध्यान रखना। अभी इस पर न्यूमेरिकल सोल्व करूँगा, 2013 में पूछा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट को लगा के हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो उसको समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक क्या कंक्लूजन निकला कि भाई जो मोहर सर्कल है उसकी रेडियस पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मोहर सर्कल हमारा राइट में शिफ्ट करेगा या लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, इस पर बात कर लेते हैं।
सॉरी, ठीक है, मोर सर्कल हमारा लेफ्ट में शिफ्ट करेगा या राइट में शिफ्ट करेगा, इस पर बात करते हैं। चलो जी, यहाँ तो समझ में आ गया ना भाई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना नीचे, ठीक है, कवर कर लेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो अब पोजीशन के लिए मैं देखता हूँ। पोजीशन के लिए देखो, मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, उसमें ये था ना सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू, इसको कंसिडर करते हैं। ये था पहले सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू, ये इनिशियल पोजीशन थी। अब मैंने रिप्लेस कर दिया सिग्मा वन को सिग्मा वन माइनस सिग्मा पी से, एंड सिग्मा थ्री को सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा पी बाई टू से। अब क्या हो गया कि जो वैल्यू निकल के बाद में ये निकल के आ गया सिग्मा वन माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा थ्री माइनस टू सिग्मा पी बाई टू, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू चेंज आ रही है, पहले कुछ और थी अब चेंज हो गई जब जब मैंने इसमें फ्लूड प्रेशर इंक्लूड किया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मोहर सर्कल है उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस में है, नेगेटिव में है, माइनस टू सिग्मा पी है ना। अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह से हमारे जो मोहर जो स्ट्रेस है ना, जो सिग्मा थ्री एंड सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री थे, वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इस वजह से हमारा क्या है कि मोहर सर्कल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मोहर सर्कल था, अगर ये ऐसे बना हुआ था, अब फ्लूड प्रेशर लगने की वजह से हमारे जो जो उसकी जो फ्लूड प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है कि मोहर सर्कल हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि स्ट्रेस तो डिक्रीज कर रहा है ना यार भाई। देखो डिक्रीज कैसे कर रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करो, स्ट्रेस कैसे डिक्रीज कर रहे हैं भाई। यहाँ से मान के चलो 10 लग रहा है अंदर की तरफ सिग्मा वन या सिग्मा थ्री, और यहाँ से फ्लूड प्रेशर लग रहा है 4, ठीक है। तो पहले तो 10 था लेकिन फ्लूड प्रेशर की वजह से कितना हो गया 6, सॉरी 10 माइनस 4 इजकल टू 6, 6 आ गया। तो पहले 10 था अब 6 हो गया, तो मोर सर्कल क्या करेगा हमारा लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो ये होगी, पहले मोर सर्कल ये था मेरा, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री लग रहे थे। उसके बाद में वाटर अवेलेबल था उसमें, उसने फ्लूड प्रेशर लगाया जिसमें से हमने सिग्मा वन में से सिग्मा पी सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने सिग्मा थ्री में से सिग्मा पी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड उसकी वैल्यू निकल के मान के चलो उसकी वैल्यू आ गई सिग्मा पी, जब उस पर फ्लूड प्रेशर लग रहा है, एंड सिग्मा थ्री की वैल्यू आ गई सिग्मा थ्री डैश या फिर सिग्मा वन डैश, ठीक है। तो हमारा मोर सर्कल क्या आएगा, यहाँ से ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी रेडियस क्या है इसकी, जो मोर सर्कल है हमारे, रिजल्ट क्या निकल गया, अल्टीमेटली हमारे जो रिजल्ट निकल के आए कि जो मोहर सर्कल है उसके रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड जो मोहर सर्कल है हमारा वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो वो चीज़ मैंने यहाँ पे वही लिखी हुई है, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में, प्रेशर के बारे में, रेडियस चेंज नहीं हो रही है। तो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक भाई, भाई हमारा किसी ब्लॉक पे फ्लूड प्रेशर लग रहा था, उसकी वैल्यू हमने जो मान ली सिग्मा पी है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सिग्मा वन से एंड सिग्मा थ्री से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने उस वैल्यू को पुट अप कर दिया किसमें, जो मोहर सर्कल की इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, जो मोहर सर्कल की इक्वेशन थी इसमें पुट अप कर दिया। देन हमने एनालाइज किया कि भाई रेडियस में क्या चेंज आ रहा है, रेडियस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी पोजीशन हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मोहर सर्कल हमारा चेंज हो जाता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, मैं तो समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी कंसेप्ट को लगा के, ये क्वेश्चन था गेट 2013 में पूछा हुआ है ये। आप इस डायग्राम को देखो पहले, थोड़ा समझ लो, डायग्राम में ए सी पी बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 51 में लिखा है फॉर अ कंडीशन रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल वन, अब सर्कल वन देख लो कहाँ पे है, ठीक है, फॉर अ कंडीशन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल वन इफ प्योर वाटर प्रेशर इंक्रीजेज, अगर हम प्योर वाटर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं द सर्कल विल चेंज टू, हमारा सर्कल कहाँ पे चेंज होगा। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने कि सर्कल हमारा कहाँ पे चेंज होगा। पहले तो सर्कल वन को ढूंढ लो कहाँ पे है, सर्कल वन ये रहा भाई यहाँ पे, ये है सर्कल वन, ठीक है, दिख गया सबको। अब सर्कल वन पे क्या हो रहा है कि अभी मिटेगा नहीं, सर्कल वन दिख रहा है आपको, तो अब इसमें फ्लूड प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो फ्लूड प्रेशर लगने की वजह से मैंने क्या बताया था आपको, रिजल्ट क्या निकल के आए थे हमारे,
फ्लूड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, हमारे रिजल्ट निकल के आए थे कि जो सर्कल है ना उसका रेडियस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना इंक्रीज़ करेगी ना डिक्रीज़ करेगी, और वो ना वो क्या करेगा राइट में शिफ्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा लेफ्ट में शिफ्ट करता है। अब इसके ऑप्शन पे जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका पीछे चलो, इसका डी ऑप्शन देखो, सर्कल फाइव के आस कौन सा सर्कल फाइव होगा, तो सर्कल फाइव में क्या हो रहा है कि हमारा ये सर्कल राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे सब शिफ्ट हो रहा है। तो इसका देखो राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब है कि हमारा जो सिग्मा वन एंड सिग्मा वन है ना, मतलब सिग्मा वन एंड थ्री है, उसकी वैल्यू क्या करिए इंक्रीज करिए। तो फ्लूड प्रेशर की वजह से सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री की वैल्यू इंक्रीज थोड़ी करती है, ठीक है, और ना हमारा क्या बोलते हैं इसी वजह से हमारा सिग्मा जो स्मॉल सर्कल है वो राइट साइड में शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन डी क्या है इनकरेक्ट है, जो हमारा सर्कल है वो इस तरफ को शिफ्ट नहीं होगा, मीन एज ए सर्कल फाइव वो शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ रही है। अब इसको सी को देख लेते हैं, सी में क्या है कि सी में बोल रहा है कि सर्कल फोर, क्या सर्कल फोर की तरह शिफ्ट हो जाएगा। अब सर्कल फोर को आप एनालाइज करो, सर्कल फोर में यार ये देखो सर्कल फोर ये है, इसमें क्या है कि इसकी रेडियस इंक्रीज कर दी है। सर्कल वन ये था जहाँ पे रेड मैंने मारा है ना, ये जो रेड मैंने लगा रखा है ये मिटने का नहीं, एक्चुअली ये पता नहीं क्या परमानेंट लग गया इस पर क्या हो गया। तो जो सर्कल वन है ना, ये इस सर्कल वन को आप देखो, सर्कल फोर को देखो, ये वाला सर्कल फोर, इसमें क्या हो रहा है कि इसकी सर्कल की रेडियस इंक्रीज़ कर रही है। तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है कि रेडियस में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, रेडियस तो न इंक्रीज़ करते ना डिक्रीज़ करते, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन में क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। अब सर्कल थ्री, अब सर्कल थ्री को आप देख लो, सर्कल थ्री में क्या कर रहा है, ये रेडियस डिक्रीज़ कर रहा है, फिर से वही वाली बात आ गई, अरे रेडियस पर तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, ना तो वो इंक्रीज़ करेगी ना वो डिक्रीज़ करेगी, तो ये वाला गलत हो गया। अब सर्कल टू पे आप आओ, सर्कल टू ये देखो आप, ये सर्कल टू ये है, मैं मिटा देता हूँ, सर्कल टू ये है, ठीक है। तो सर्कल टू में देखो ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है इसके लिए, भाई देखो लेफ्ट में भी शिफ्ट कर रहा है, और आप एक चीज़ और देख रहे हो इनकी ना दोनों की रेडियस सेम है, सर्कल वन की, सर्कल वन की एंड सर्कल टू की रेडियस भी सेम है, रेडियस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ये लेफ्ट में भी शिफ्ट हो रहा है, मीन्स हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, इसलिए जो उसका राइट आंसर होगा ये होगा ए। देखो हो रहा है उसी से जो मैंने आपको कंसेप्ट अभी समझाया था उसी से सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका ये पार्ट देख लेते हैं 50, इसमें बता रहा है कि द पॉइंट पी रिप्रेजेंट, जो पॉइंट पी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट है यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखो यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए जो हमारा सर्कल मोर सर्कल बनेगा ये तो कंप्रेसिव के लिए बनता है एंड ये टेंसाइल के लिए बनता है, और ऑब्वियसली इसका बी आंसर सही है, क्योंकि ये कंप्रेसिव के लिए ये वाला डायग्राम बनता है, पी पॉइंट पे पूछ रहा है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। एंड इनडायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेस, इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ये भी नहीं होगा, शियर स्ट्रेस ये भी नहीं होगा, ठीक है, जिसका राइट आंसर है वो है बी। ये बताओ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन मोर सर्कल से, ठीक है। मीन्स हमारा मोर सर्कल क्या है कि भाई 51 को देखो आप, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, इजीली हो गया ना भाई, राइट में शिफ्ट नहीं होगा ये, उसकी सर्कल की जो रेडियस है वो ना तो इंक्रीज़ करेगी ना डिक्रीज़ करेगी, तो ये राइट में जो फाइव नंबर है ये राइट में शिफ्ट हो रहा है इसलिए गलत हो गया, जो थ्री नंबर है इसमें रेडियस डिक्रीज़ कर रही है ये गलत हो गया, जो फोर नंबर है इसमें रेडियस इंक्रीज़ कर रही है ये गलत हो गया, एंड जो टू नंबर है सर्कल उसको वो सही है, क्योंकि वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है और उसकी जो रेडियस है वो भी क्या है ना इंक्रीज़ कर रही है ना डिक्रीज़ कर रही है, मतलब सेम है वो जो सर्कल वन की थी, ठीक है। और इसमें इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सर्कल है उसकी स्ट्रेस क्या करके डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है, जो उसका राइट आंसर होगा वो वन होगा, ये ए होगा, सर्कल टू, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं, द मोहर एनवेलप गिवन अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस फॉर अ फेल्योर अंडर द कंप्रेशन, द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग फ्लूड प्रेशर इंक्लूडिंग द ब्रिटल फेलियर इज ड्यू टू। इसके ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें इसने रिलेशनशिप दिया है नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस के बीच में, और इसमें क्या कर रहा है वो फ्लूड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, तो जिसकी वजह से बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है लोअरिंग द शियर स्ट्रेस, इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि क्या हमारा फ्लूड प्रेशर बढ़ाने से, जो हमारा फ्लूड प्रेशर है उसके बढ़ाने से क्या शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है लोअरिंग द डिफरेंशियल स्ट्रेस, क्या डिफरेंशियल वैल्यू हमारी कम हो जाती है फ्लूड प्रेशर इंक्रीज करने से। ऑप्शन थ्री है इनहेंसिंग द डिफरेंशियल स्ट्रेस, मीन्स जो डिफरेंशियल स्ट्रेस है क्या वो इंक्रीज कर जाती है। एंड फोर ऑप्शन है लोअरिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाती है हमारी इंक्रीज करने से फ्लूड प्रेशर को, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, वही फ्लूड प्रेशर पे है। तो फर्स्ट बोला है इसने लोअरिंग द शियर स्ट्रेस, तो भाई ये तो होता नहीं कि अगर
देखो ये हमारा मोर सर्कल हो गया, यहाँ पे इसकी शियर स्ट्रेस ही हो गई, तो फ्लूड प्रेशर के इंक्रीज़ करने से हमारा हमारे जो शियर स्ट्रेस है वो डिक्रीज़ नहीं करती है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है इसका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में आए कि लोवरिंग द डिफरेंशियल स्ट्रेस, जो हमारा फ्लूड प्रेशर है उसके इंक्रीज़ करने से डिफरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या कम कम होती है। डिफरेंशियल स्ट्रेस मतलब हमारा उस मोर सर्कल का डायमीटर, ये मोर सर्कल था ना इसका मतलब डायमीटर, इसको ये डायमीटर यही तो होता है डिफरेंशियल स्ट्रेस, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ अच्छे से डिफरेंशियल स्ट्रेस के बारे में, वहाँ से देख लेना। तो क्या फ्लूड प्रेशर के इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा जो मोहर सर्कल है उसकी जो डायमीटर है वो डिक्रीज़ कर जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है, उसके डायमीटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि इन्हेंसिंग द डिफरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है ये भी इनकरेक्ट है, डायमीटर उसका इंक्रीज़ नहीं करता है। एंड नेक्स्ट इसका लास्ट ऑप्शन है लोवरिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस, ये राइट आंसर है, क्योंकि हमारा फ्लूड प्रेशर इंक्रीज़ करने से हमारा क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2017 में आया था। द डायग्राम गिवन बिलो द शो द मोहर सर्कल फॉर अ टू डायमेंशनल स्ट्रेस विद अ पॉइंट नंबर एज शोन। द मीन स्ट्रेस एंड द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आर गिवन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द पेयर्स। ठीक है, इसमें मीन स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बतानी है कि कहाँ पे है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो यार यहाँ पे होती है ये वाली, ठीक है, ये सिग्मा वन की वैल्यू होती है, ये सिग्मा थ्री की वैल्यू होती है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस होती है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस होती है, एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यहाँ पे होते हैं, मीन यहाँ पे होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा 1 और 3। ठीक है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी ये डिटेल में बताया हुआ है, तो कोई परेशानी इस क्वेश्चन में होगी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 3 होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर शो एज द स्ट्रेस एट सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर 100 MPa एंड 20 MPa रेस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल रिप्रेजेंटिंग दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज। अब देखो उसने डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक्स एक्सिस की तरफ एंड वाई एक्सिस पे क्या तरह स्ट्रेस लग रहा है। तो आप ये वाली चीज़ देखो यार, इसका एरो को ध्यान से देखो, जो एरो है वो दिखा रहे हैं कंप्रेशन को, ये वाले एरो, एंड ये दिखा रहे हैं टेंसाइल को। ठीक है, तो जिसमें सिग्मा, अब हमको सिग्मा वन एंड सिग्मा थ्री की वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन कौन सी होगी। तो जब 20 है ये तो सिग्मा वन की वैल्यू हो गई, और जो ये 100 है ये सिग्मा थ्री की वैल्यू हो गई। अब कैसे होगी, देखो ये ना माइनस का, ये ना जो सिग्मा एक्सिस का साइन ऐसे जा रहा है, मीन्स टेंसाइल की कंडीशन दिखा रहा है, इसलिए जो हमारा मोहर सर्कल बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। यहाँ पर माइनस का 100 हो गया, ये सिग्मा थ्री की वैल्यू हो गई, और यहाँ पर 20 हो गया, ये सिग्मा वन की वैल्यू हो गई। ठीक है, 20 हो गई सिग्मा वन की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को मैं पुटअप कर दूंगा उसमें फॉर्मूले में, देखो यहाँ पे एस एस का डायग्राम बनेगा, ये यहाँ पे सिग्मा एन है, यहाँ पे सिग्मा एस है, ये सिग्मा, एक मिनट यार, ये सिग्मा एन है यहाँ पे, ये वाला ये सिग्मा एस है, और जो 20 है ये सिग्मा वन की वैल्यू है, एंड ये सिग्मा थ्री की वैल्यू है। तो मोर सर्कल की रेडियस क्या होती है, मोर सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होता है सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, ये मोर सर्कल का फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 20 माइनस माइनस 100 बाई 2 इक्वल टू 120 बाई 60 MPa, जो मोर सर्कल की रेडियस निकल के आ गई। ठीक है, और अगर मैं बात करूँगा सेंटर की मोर सर्कल की, तो सेंटर कैसे निकलेगा, सेंटर होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, ये सेंटर निकल के आया था। ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, रेडियस कैसे निकालते हैं हम, सेंटर कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ कवर किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, वैल्यू पुटअप कर दो, 20 प्लस माइनस 100 बाई 2, तो ये आ गया माइनस 80 बाई 2 इजिकल टू माइनस 40, तो माइनस 40 आ जाएगा, हो गया उसका जो सेंटर होगा वो हो गया माइनस 40 × 0, ये इसका हमारा सेंटर होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ रिमेनिंग पार्ट था मोर सर्कल का। ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने मोर सर्कल को डिस्कस कर लिया, और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको मुझे कमेंट्स कर देना, एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो लेक्चर को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर्स के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज़ की। थैंक यू।